और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर भड़कते हुए दिखे हैं गिरिराज सिंह। और किम जोंग के स्टाइल में चल रही है ममता बनर्जी, ये बात कही है। बंगाल में सत्ता के विरोधियों की हत्या हो रही है, बंगाल में ममता ने आतंक फैला रखा है। तो देखिए किस तरीके से गिरिराज सिंह ने एक के बाद एक बार ममता बनर्जी पर किए हैं बड़ा हमला। ममता बनर्जी पर बोला है, लगातार हो रही राजनीतिक हिंसा, झड़पे और खून खराबे के ऊपर अब ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह। बंगाल में ममता ने आतंक फैला रखा है। ममता बनर्जी आई थी सत्ता में सीपीएम के हिंसा के विरोध में। लोकतंत्र में हिंसा का जगह नहीं है, लेकिन ये अब सीपीएम से भी आगे बढ़ गई है। कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग के स्टाइल में चल रही है, अपने विरोधियों की हत्या करना चाहती है, ये अपने विरोधियों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती है, ये आतंक का रूप ले ली है। लेकिन इसका सफाया 2 मई को दिखेगा। ये हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए, शांति चाहिए। फ्रस्ट्रेशन है ममता बनर्जी का, सत्ता से जाना तय है। और नंदीग्राम के संग्राम पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ऑडियो टेप से फंस गई है ममता दीदी। हार से डरी दीदी ने बीजेपी नेता से मदद मांगी है। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर बड़ा आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं को लालच दे रही है दीदी। इससे पहले आपको याद होगा ममता दीदी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी पैसों के जरिए, पैसों के बल पर वोट खरीदते हैं। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को लालच दे रही है, क्योंकि प्रलय पाल का जो ऑडियो सामने आया है उससे साफ जाहिर है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपनी राह को मुश्किल होता हुआ देख रही है और इसी वजह से बीजेपी से मदद मांगी जा रही है। ইচ্ছা হয়েছে নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। দিদি পর ছায়া ভগবা ভয়, এক কল আর দিদি কে ডর কি ঘন্টি। নন্দীগ্রাম মে দিদি কা খেলা শেষ। নন্দীগ্রাম কে সংগ্রাম মে না দিদি কা তুষ্টিকরণ চল রহা হ্যায়, न दीदी का मंदिर दर्शन यानी हिंदू कार्ड चल रहा है। तो दीदी ने नंदीग्राम की सीट बचाने के लिए सीधे बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष प्रलय पाल को ही अपने पाले में करने की कोशिश कर डाली, लेकिन ऑडियो टेप बाहर आते ही दीदी का दांव उल्टा पड़ गया। बोलो, तुम तो अनेक यंग छेले एवं अनेक काज करो, हमें जानी सब कुछ। नंदीग्राम का संग्राम ही इस बार तय करेगा कि बंगाल में अगले 5 साल कौन राज करेगा। लेकिन दीदी की घबराहट बताती है कि नंदीग्राम की असॉल फाइट में वो पिछड़ रही, क्योंकि नंदीग्राम में अधिकारी परिवार का दबदबा है। बंगाल में भगवा लहर से पैदा ध्रुवीकरण दीदी के लिए खतरा है। तुष्टिकरण के खिलाफ हिंदू वोटरों का बीजेपी की तरफ झुकाव, पीरजादा का दीदी के खिलाफ प्रचार, मुस्लिम वोट बैंक में सेंध। नंदीग्राम में 70% हिंदू वोटर हैं, और इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो वाम दलों के गुंडा राज के समय से अधिकारी परिवार के वफादार हैं। अब रामराज का राग छेड़कर अधिकारी परिवार ने अपनी पैठ और मजबूत कर ली। जय श्री राम का जो इनर मीनिंग है वो सुशासन, सबका हाथ में काम, सबका छात, रोटी कपड़ा और मकान, बिजली पानी और सड़क, ये है राम राज्य का स्लोगन। ये कोई एक जात का एक धर्म का स्लोगन नहीं, तो राम राज्य होगा नंदी, राम राज्य होगा सुशासन। दूसरी तरफ दीदी के 30% मुस्लिम वोट बैंक पर भी इस बार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने सेंधमारी कर दी है। वो लेफ्ट उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी के लिए यहाँ प्रचार कर रहे हैं। जाहिर है बंगाल के चुनावी दंगल में दीदी का हर दांव उल्टा पड़ रहा है, जो उनकी सियासत के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रमन ग्राउंड जीरो से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, एक के बाद एक खुलासे, एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप, और ये जितने भी खुलासे हो रहे हैं, चाहे ऑडियो टेप को हम देख लें, एक चीज तो साफ है, ममता बनर्जी घबरा गई है, बौखलाहट में वो है, और इसीलिए ऐसी हरकतें वो कर रही है। देखिए बिल्कुल, मैं नंदीग्राम में मौजूद हूँ और यहाँ पर चुनावी रंग भी चढ़ा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीजेपी का झंडा है, टीएमसी का झंडा है। लेकिन इन राजनीतिक बातों के बाद बीच में मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर जरूर दिखाने जाऊंगा। यहाँ पर आज ढोल उत्सव
मनाया जा रहा है, यानी आज होली का त्यौहार है। देख सकते हैं आप, ये एक पुरानी परंपरा है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, गाजे बाजे के साथ, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पूरे के पूरे जो गांव होता है उसकी परिक्रमा की जाती है। तो बेहद खूबसूरत रंग है जो जुड़े हुए हैं, आपको चुनावी रंग भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पार्टी के झंडे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ का ढोल उत्सव भी इस वक्त नंदीग्राम का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर चुनावी रंग के साथ ये रंग भी जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतंत्र में लोग उन्हीं को जो कि यहाँ पर उनके पुरानी परंपराओं को मनाने की आजादी दे, वो परंपराएं जो कि सालों से वो मनाते हुए आ रहे हैं। तो यानी ये उत्सव जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है, उसमें किसी की रोक ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो ये देख सकते हैं बेहद ही ये खूबसूरत नजारा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम का। नंदीग्राम जो कि इस वक्त चुनावी राजनीति का गढ़ बन चुका है, जंग का मैदान बन चुका है। तो यहाँ पर इस वक्त पार्टी के झंडों के साथ, ये चुनावी रंग के साथ, ये होली के रंग है जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये ढोल उत्सव है, देख सकते हैं आप, झंडे भी नजर आएंगे, टीएमसी का झंडा नजर आएगा, बीजेपी का झंडा नजर आएगा, लेकिन ये रंग उत्साह के रंग है। और लोकतंत्र में सही नेता चुनना इसलिए भी जरूरी है कि ये उत्साह बना रहे, ये खूबसूरत तस्वीरें बनी रहे। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तस्वीर देखिए, चुनावी रंग के साथ साथ सांस्कृतिक रंग भी यहाँ पर जुड़ चुका है। और ममता बनर्जी भी आज होली मिलन समारोह में शामिल होंगी। रमन, हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से बातचीत करिए और उनसे जानिए कि इस बार का ये जो होली प्रोग्राम है किस लिहाज से अलग हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन भी लगातार जारी है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ी भाषा समझने परेशानी होती है। भाई, इस बार चुनाव भी है, होली भी है, दादा का माहौल भी है, दादा है यहाँ, दादा भी है, पूरा का पूरा, पूरा दादा है, इसीलिए सब आप लोग गेरुआ रंग लगा के घूम रहे हैं। दादा का मत दसो बिंदु दादा का है। ये हरा और सफेद रंग नहीं चलेगा इस बार होली में, 100% दीदी हरेगा। ऐसे क्यों दीदी, काफी रुकी हुई है नंदीग्राम में, होली भी खेलेंगे वो शाम को। दीदी तो बोलता है ईद मुबारक है, होली मुबारक, मुबारक बोलता है, होली मुबारक होता है, होली मुबारक होता है। अच्छा, होली की शुभकामनाएं होती है ना, शुभकामना। चलिए, ये आपको भी शुभकामना है होली का। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये होली की तस्वीरों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए, छोटा सा बच्चा है, ये भी होली के रंग में रंगा हुआ है। तो ये जो सारी तस्वीरें हैं, सारी जो किस्से हैं, वो ये आपको सुनाए। और ये चुनावी बातें भी यहाँ पर की गई। तो ऐसा नहीं है कि होली के रंग यहाँ पर सिर्फ होली के ही रंग है, इसमें चुनावी रंग भी जुड़े हुए हैं, चुनावी रंग भी जुड़े हुए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, सीधा आपको इस वक्त नंदीग्राम से हम आपको लेकर जा रहे हैं। ये सारे के सारे लोग पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए ये सारे के सारे लोग मुख्य मंदिर तक पहुंचेंगे, जहां पर मुख्य ढोल उत्सव मनाया जाएगा। तो ये बात भी कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये पिछले इतने साल हो गए, तो यहाँ पर दीदी आई इससे पहले कभी नंदीग्राम? नहीं आया था, 5-10 साल हो गया, एक बार आता है कभी कभी, अभी खोज कर नहीं आता है, क्या होता है नहीं होता है कुछ ये नहीं बोलता है, जो कुछ है नहीं हुआ, हम लोगों को कुछ ये है नहीं है, कुछ नहीं हुआ, देखभाल कुछ नहीं है। अच्छा, बंगाली जब चुनाव होता है तभी आता है दीदी। बंगाली लोग पूरे उत्साह से मनाते हैं सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, या फिर अब ये ढोल उत्सव है, तो क्या पूरी आजादी होती है? नहीं, जैसे नहीं, नहीं, नहीं आजादी नहीं होता है, आजादी नहीं होता, वो भी बंद कर देता है, वो भी दुर्गा पूजा में टाइम पे, मालूम है ना आप लोग को, जो दुर्गा पूजा टाइम पे तो बंद कर देता है पूरा, दुर्गा पूजा नहीं निकलने देता है दशहरा के दिन पे। अच्छा, तो हम लोग क्या करेगा बोलो, तो इसका असर पड़ेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा, बिल्कुल ही पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा इस बार, इसके लिए बोलो ना, इस बार हरे हरे घर पे यहाँ पे मोदी आएगा। अच्छा, तो ये आप तस्वीरें देख सकती हैं, हालांकि ये होली का रंग है, लेकिन ये ठीक साफ आप देख सकते हैं, ये चुनाव और होली सब मिला हुआ है। ठीक सामने झंडे आपको देखेंगे, यहाँ पर रंग भी है और चुनावी रंग भी है, दोनों ही पार्टियों के झंडे यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन जब आप गांव के लोगों से बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वही नेता चुना जाए जो कि उनकी बात सुने, जो उनको आजादी दे, उनकी परंपराओं को जिंदा रखने की, चाहे दुर्गा। बिल्कुल बिल्कुल रमन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बेहद खास हो जाती है, क्योंकि आज शाम को, क्योंकि जो होली मिलन समारोह है उसमें ममता बनर्जी भी जाएगी, तो ऐसे में देखना होगा क्या तस्वीर आती है। श्वेता भी हमारे से जुड़ी हुई है। श्वेता, नंदीग्राम में किस तरीके से होली में यहाँ पर लोग खुश हैं, और शाम को जब यहाँ पर ममता बनर्जी आएंगी तो क्या तस्वीरें आएंगी, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आप बताइए, होली में राजनीति, यानी कि होली का रंग राजनीति में कितना नजर आ रहा है वहां पर?
देखिए मैं इस वक्त कोलकाता के कुम्हार टोली में मौजूद हूँ। यहाँ से टीएमसी की कैंडिडेट जो है शशि पांजा, वो श्याम पुकुर से टीएमसी की कैंडिडेट है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की बेहद ही करीबी मानी जाती है। शशि जी खुद होली खेल रही हैं और क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी रंग जो है वो छाया हुआ है, लेकिन आज के दिन होली के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। दादा जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से टीएमसी की कैंडिडेट शशि जी और यहाँ पर होली मिलन समारोह में, देखिए ये तस्वीर बंगाल की, ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से चुनावी रंग के साथ साथ देखिए होली के रंग में भी पश्चिम बंगाल जो है वो रंग चुका है। शशि पांजा जी से बात करने की कोशिश करते हैं। शशि जी होली मुबारक हो। होली मुबारक आप सबको। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती है इसीलिए मुझे तकलीफ नहीं होगी। कैसे मना रही है होली, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इलाके में? देखिए इस बार तो होली उत्सव भी और गणतंत्र की भी उत्सव है, निर्वाचन भी है, हंसी खुशी लोग अपने निर्वाचन में पार्टिसिपेट करें। और जैसे होली में हम लोग हमेशा हर साल की तरह एक संग मिलते हैं, बात करते हैं, होली खेलते हैं। इस साल कोविड के संयम है, मास्क है, ग्लव्स है, सब कुछ है, तो होली जो है थोड़ा दूरी बनाए रखते हुए पालन हो रही, अच्छा ही है। चुनावी रंग के साथ होली का रंग कैसे देखते हैं? जीवन में कितने रंग हैं, उसमें चुनाव का एक रंग। और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मेरी ओर से तो यही रहेगी कि ममता दीदी को अपने जीवन में इस रंग को हमेशा रखने के लिए, तो दीदी को लाना है, तीसरे बार लाना है, देश को और पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाना है। इस तरीके के होली और भी हम लोग खेलेंगे। इस बार दीदी के रंग बहुत तीखे देखने को मिल रहे हैं, तीखे तीखे प्रहार कर रही हैं प्रधानमंत्री के लिए भी, ऐसे ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। देखिए चुनावी रंग जरूर है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसके साथ साथ होली के रंग को भी किस तरीके से सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। श्वेता रावत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।